सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रचारार्थ शास्त्री नगर इथं जाहीर सभा घेण्यात आली. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि इतर मित्रपक्ष आघाडीचे उमेदवार सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रचारार्थ सोमवारी रात्री शास्त्री नगर इथं जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी माजी महापौर युएन बेरिया, बिस्मिल्ला शिकलगार, मनसूर गांधी, चंद्रकांत दायमा, शौकत पठाण, मोहसिन नदाफ यांनी आपले विचार मांडले. गलती हुई जो हमारे शहर का विकास नहीं हुआ, हमारे मतदार संघ का विकास नहीं हुआ, अगर इस गलती को हम दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप हमको सोच समझ कर 18 तारीख को सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी और हमारे कांग्रेस पार्टी के हाथ को वहां पे वहां का बटन दबा के उनको भरगो तौर से चुन के देना पड़ेगा. 5 साल पहले मोदी की सरकार इस देश में सत्ते पे आई, उन्होंने झूठे वादे किए, लोगों को गुमराह करने का काम हुआ, लोगों की दिशा भूल की, लोगों को कहा गया कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे. बदनामी हो रही है शिंदे साहब की, ये गलत है. जो हेड बता हुआ मस्जिद का जो दरवाजा बंद किया शिंदे साहब ने नहीं किया, और इंशाल्लाह ताला लोकसभा चुनाव शिंदे साहब होने के बाद इंशाल्लाह ताला शिंदे साहब दरवाजा खोलेंगे हेड क्वार्टर का. ऐसे मैं विनती करता हूँ, और हमारे शिंदे साहब पानी का उजनी का हेल है, बहुत सारे विकास किए, उनकी जितनी तारीफ की उतनी कम है. त्यानंतर उमेदवार सुशील कुमार शिंदे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. जो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहा है और दूसरा जो लड़ रहा है वो जात के नाम पर लड़ रहा है. हमने इस शहर में सोलापुर में कभी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कभी चुनाव लड़ा नहीं है. हम खाली सेक्युलरिज्म पे चुनाव लड़ते हैं, सर्वधर्म समभाव के लिए लड़ते हैं. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हम साथ में रह के इस देश को बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन आज यहाँ जो कैंडिडेट है वो जो कैंडिडेट धर्म के और जात के नाम पर है, इससे ये पता चलता है कि ये यहाँ द्वंद्व निर्माण करके अपना एक अलग रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है. एक ही समझना चाहिए कि मोदी हुकुमशाह बनना चाहता है और उसको हुकुमशाह बनने का ये मौका है. यदि इसमें तुम अपने कोई जात भाई को देना है, अपने कोई पार्टी को देना है, तो इससे हमारा होप बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक वोट कटुआ इसमें आ गया है. भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरा वोट कटुआ आ गया है. यावेळी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.